जय माता दी। माणिक्य, माणिक्य सूर्य ग्रह का रत्न है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, जो कि एक मुख्य स्थान रखता है, एक मुख्य कारक ग्रह है, उसका दुष्प्रभाव हो या उससे बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव बन सकता है माणिक्य डालने से, तभी आप माणिक्य धारण करें। लेकिन माणिक्य कम से कम 3 व्रति का होना ही चाहिए। माणिक्य को कभी भी मोती के साथ धारण ना करें, जो कि चंद्र ग्रह के लिए प्रयोग में लाया जाता है। माणिक्य को आप रविवार के दिन ही धारण करें, और इसको धारण करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार से टचिंग स्टोन होता है, अर्थात आपके शरीर से इसका स्पर्श होना चाहिए। अंगूठी को आप शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सूर्योदय के समय धारण करें। धारण करने के समय इसको कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो के रखना है, फिर उसको शुद्ध जल से स्नान करा के पुष्प चंदन धूप बत्ती वगैरह दिखा करके ही धारण करें। इसके लिए आपको इसके मूल मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जाप करनी है। उसके पश्चात आपको तर्जनी उंगली में धारण करनी है। संभव हो तो धारण करने के पश्चात आप 7000 बार माणिक्य के इस मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। कई लोग माणिक्य नहीं खरीद पाते क्योंकि माणिक्य महंगा है और यह सोने में जड़वाया जाता है, तो उसके अल्टरनेटिव में माणिक्य के रंग का जिरकॉन भी लोग खरीद लेते हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, माणिक्य को कभी भी हीरा, नीलम, गोमेद या लहसुनिया के साथ धारण नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति को नुकसान होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कभी भी कोई भी रत्न धारण करने के पहले अपनी कुंडली की विवेचना अवश्य करवाएं, और अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तभी आप रत्न धारण करें। योग्य पंडित से या योग्य ज्योतिष से ही अपनी कुंडली की विवेचना करवाने के पश्चात ही आप रत्न धारण करें, वरना हानि हो सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि हम राशि अनुसार भी कुंडली राशि अनुसार ही हम रत्न धारण कर लें, लेकिन यह उचित नहीं है क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि सूर्य पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, या सूर्य किसी नीच राशि में हो, ऐसे कई तरह के कारण बन हो सकते हैं जिस कारण से आपको नुकसान हो सकता है।